जज्बा आया और एमएलए साहब को राजीनामा करो राजीनामा करो, एक 100 टाइम बोले रहेंगे तुम्हें राजीनामा के बारे। आज तुम्हें एमएलए साहब से राजी हो गए क्या? आज अल्लाह को मालूम साहब, तुम्हें हर कोई आदमी के अंदर हमने पूछ रही क्या क्या लिया गौस भाई, कितना लिया गौस भाई, कैसा लिया गौस भाई, तो वो अल्लाह बेहतर जानता हो, हमने नहीं मालूम करी हमने को। हर जना एक पूछ रहा हमने को, आज इनको सबको तुम्हें बोल को हक को है लेवल बंदा हुआ। तो आधुनिक जितनी आम है, गौस भाई अच्छा आदमी है, घट आदमी है, पावरफुल आदमी अच्छा है, गौस भाई का न्यूज अच्छा है, बोल रहे थे। आज तुम्हें सोप करा ले को, आज तुम्हें एमएलए से राजी हो गया। तुम्हारे ब्लाडांग वजह से पूरे मुसलमान आगे अद्या को आप तुम्हें जब लाल लाल खड़ा कर रहे तो हर मुसलमान भाई क्या बोल रहा था मालूम आधुनिक में, अरे गौस भाई क्या अच्छी दूर जाके कर रहे हैं क्या भाई, वत्ता मुसलमान हुआ अच्छा लगा ले रहे गौस भाई का, तो नहीं मालूम था ना तुम्हारे 11 सेंट है तुम ना को। अब भी गौस भाई फिर भी पागल काम है तुम्हारे, वैसा नको करो गौस भाई। अब यहाँ से ये सब फितने ये सब लगा चुगरी सब नको नको, सही हिसाब से अलहमदुल्ला सही रहेंगे हम। चलो बोले भी बोले, जब तुम ना को जब वो गौस भाई का नाम लेकर नूर भाई जब हमारे गुजरी नूर भाई जब प्रेस मीट में दिए तुम ना को, तुम्हें क्या करे, अरे मई दिया तो फिर मसला दूसरा होता है बोल के मुल्ला रफीक कहने गए तुम्हें। मुल्ला रफीक भाई है ना हमारे, उनके पास गए, वो एसआर लीडर उन्होंने है उनके पास गए, फिर उन्होंने उनके पास जाकर क्या करे, इधर हमारे हमारे अपना की लड़ी डालना बोल के सोचे तुम्हें। अब मैं बोलना क्या, चलो ऐसा नहीं करना, जो बोलना था तुमने कुछ बोलना था, फिर इनको जाको बोल को, फिर इधर से मचा को इधर से इधर फिर हटा को सब पूरा माइंड डिवेट ना को। मस्जिद के बात नमाजा के बात तो बहुत करते, टोपिया भी पहनते, गौस भाई भी टोपी पहनते हैं, नमाज को तो आते नहीं, 24 घंटे टोपी रहती, तुम्हें भी कहां जमे दिखते रहते नमाज हम दिखते नहीं, अल्लाह है नमाज पढ़ती है हमें, अलहमदुल्ला हमें पढ़ती है 5 नमाज हमें पढ़ती है, हमें कोई सी मस्जिद में भी जाओ पढ़ते हैं लेकिन हक की बात करते और टूट पड़ती। आज फिर क्या हो रहा मालूम ना गौस भाई, आज पूरे हमारे भाई हमें लड़ा डाल दिए जितने भी है सब, मिल को कर लेना ना हो को आज लड़ रही, कभी तुम्हें जा रही है मुल्ला रफीक के पास से बोल रहे हैं, कभी जुनेद भाई गंजाक बोल रहे हैं, मुल्ला रफीक भाई बोल रहे हैं, फिर इधर का इधर बोल रहे हैं, उधर का इधर बोल रहे हैं, तुम्हें बोल को पूरा फितना हो गया। जितने भी मुसलमान दिलदार भाई है मेरे आधुनिक के अंदर, जैसा पहले हमें भी है हम नक बुलाए हम नक डालने लगाए, फिर अब उनके पास जा रही उनको डालने लगाए, लेकिन इनको बोलो बोले तो ये पूरे फितने डाल के बैठ गई गौस भाई, वैसा कई को कर रही है। यहाँ मिलाओ बोले तो अब कल की बात कब्रस्तान के अंदर देखो, सब रोड़ा अच्छे डाली सब अच्छा डाली ये डाली करके तुम्हें बोले, असल साबित क्या करना चाह रहे हैं, पहले का तो बोले तो कब्रस्तान में कामा नहीं हुएगा तो मुझे लज्जा खड़ा कर रहे, पर कब्रस्तान में तो खड़ा करे तो गौस भाई, कब्रस्तान में खड़ा करो बोले ना मैं देखो हमारा कब्रस्तान कैसा है, कचरा देखो ऐसा देखो ऐसा देखो। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हमें प्रेस मीट रखने का रीजन क्या है मालूम, हमारे गौस भाई प्लेन हाउस भाई है ना, गौस भाई के वास्ते में प्रेस मीट रख रही है हमें, उन्होंने हम ना को कहाँ कहाँ लेको गए सब जगह, जैसा कि अब रहेगा अपना भमदली पार्क कब्रस्तान जितने जगह भी लग जा को रुकाए ठहरा करे बात कराए, कल वो अलहमदुल्ला अच्छे से अच्छा बात कराए बोल के सोचे हमें, लेकिन वो नहीं है कई को नहीं बोले। तो कल ये कब्रस्तान में इन्हों फिर इन्हों डाले एक न्यूज, क्या बोल के डाले है, ये देखो कितने कामा हुए है यहाँ कच्चा कैसा वे, तो इसका मतलब क्या समझ में आया नहीं मुझे, जब मुझे बुला ले जाओ बोले सो टेम्पो क्या बोले तुम्हें, देखो इधर कामा नहीं हुआ कब्रस्तान में, हमारे बड़े दाई खबरा थे यहाँ सब थे कर को बोलो बोले हमें अलहमदुल्ला बोले हुआ, सो जो गलत था गलत बोले, जब आज ये गलत को तुम्हें कहीं को सच कर रही ये बताओ गौस भाई, ये क्या चाह रही तुम्हें समझ के बाहर हो गया, ये रीजन मैं कहीं को बोल रहा हूँ तुम ना बोले तो आज बोलते तुम ना सुनो, तुम्हें ना बोले सो हमदिली पार्क में लग गए, सुबह में सुबह की नमाज पढ़ लिया था मैं 6 फोन करके बुलाया 7 तक आ गया मैं भी तुम्हें हमदिली पार्क को गए, फिर वहां से कब्रस्तान को गए, फिर वहां से कब्रस्तान के बाजू जगह अभी जो फयाज डाला ना पूरे डब्बे डाला ना वो जगह कब्जा हुई बोल के तुम्हें बताए, वहां का बताए सब बताए हमने मालूम था, कल तुम्हें खड़ो को कब्रस्तान में क्या बोल रहे हैं, देखो कामा कहते अच्छा करा एमएलए साहब हमारा को तो बोल रहे क्या जी गौस भाई है क्या ये रीजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मसला, देखो गौस भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे नको करो, मैं ये सब याद कर रहा हूँ देख देखो, अब तुम्हें बोले ये सब पहले जो बोले सो हिसाब रहा सो और अब रहा सो हिसाब से सोचे तो क्या सोचना, मैं तुम्हें जब डाले सो वीडियो मेरे दिमाग में है ना पूरा है, फिर ये डाल के तुम्हें मुझे दिखाई दूंगी ना मैं क्या, मैं बोलना नहीं बोलना तुमने इसका रीजन बताओ मेरे को, बोलो गौस भाई तुम्हें जब डाले फिर ऐसा सेम तुम्हें आज क्या करे, कल परसों 2 से क्या कर रहे तुम्हें मालूम क्या, तुम्हें और यूसुफ भाई के घर को गए न्यूज में डालने लगा है ईदगे के बारे में क्या ऐसा चला है मसला कैसा आएगा, तो खैर डालने लगा अच्छी बात है, तुम्हें इतना पकड़े से वीडियो
फर्स्ट चल वो खैर गौस भाई आए ले भाई हमें खुश हुए हमें गौस भाई आए ले भाई न्यूज में डाल रही ले भाई सुबह का डाले खुश हो गए। फिर तुम्हें जब वो लग जाओ फिर उधर इंडियागंज ठहर गो तीन चार जने इधर फिर क्या बोलते हैं हमारे एमएलए साहब को ऐसा कर रहे हैं हमारे एमएलए साहब को खराब कर रहे हैं चन्नद्या हमारे अड्डा खराब कर रहे हैं ऐसा वो क्या खराब कर रहा था यूसुफ भाई तुम ना को क्या कब तो भी बुलाओ ऐसे बात बोल करना तुम्हारे ऐसे क्या नहीं करे यूसुफ भाई कहने तुम्हें भी मोहम्मद भाई आए साले भोने आने के बाद ठहरा करे बात करे तुम्हारे वास्ते वन टाउन में हमें कितनी रात तक ठहर गो हमें फाइट कर गो बात करो लड़के करे फिर भी हमने यकीन नहीं हुआ था हमने को रोब भाई भी आया बेचारा रोब भाई फौजी रोब भाई आके बैठ के बात करो सब ये करे तो मोहम्मद भाई की गलती है कि चांद भाई की गलती है कि मसीदपुरे वाले चांद भाई की दो जना को बिठा को बात करके करे तो दो जना को सुला करके सीए साहब भेज दिए भेजिए बाहर आने सुने पश्चू मोहम्मद भाई लेना बोल के थे गए जगाओ रोब भाई के पास से जगह मोहम्मद भाई लेना बोल के थे गए फिर भी यूसुफ भाई को जाओ बोलने के बाद यूसुफ भाई हिम्मत करके तुम्हारे पास आया तुम्हें जब यूसुफ भाई का वीडियो देखे तो डिलीट कर छोड़ना था तुम्हें डालने का रीजन क्या है बोलो गौस भाई डालने का रीजन क्या डाले तुम्हें वीडियो फिर डाल को फिर उकसा को जब नूर भाई जब वो पावरफुल न्यूज तुम्हारे बारे में रखा जब वो प्रेस मीट दिया जब वो देने के बाद तुम्हारे हाथ से बोल लेने वाला तो मुल्ला रफीक भाई बन गए मुल्ला रफीक भाई बने जागो तुम्हें क्या करे उनको बोलने लगा आपको क्या बोलना चाह रहे ऐसा हो तो फिर उनको उकसा को फिर उनको भी मालूम नहीं सर के बात करके छोड़े उन्होंने क्या मालूम जो हो रहा क्या चल रहा समझ में आ रहा उन्हें मुल्ला रफीक भाई देखे तो कोसे कोसे की बात क्या है क्या असल साबित क्या करना चाह रही पूरे हमारे जितने मुसलमान दिलदार भाई है ये सब फितने डाला रही क्या ये सब फितने आना चाह रही क्या बोलो दोस्त भाई हमारे साथ तो हुआ था एक तो हैरान बशीर कुछ भी नहीं करा उन्हें हैरान मठ बशीर है ना उन्हें कुछ भी नहीं आज भी रात दिन उन बेचारा फिर भी वैएसआर को सपोर्ट करता उन्हें वैएसआर को हमें सपोर्ट करे भाई पहले भी करा मेरे पैसे गए 3 लाख गए 4 लाख गए मैं खर्चा करा फिर भी मैं रेड्डी को सपोर्ट करता हूँ बोला साला उन्हें वो आदमी को भी लिया तो बोलो फंसा को छोड़े क्या कह जब के दिमाग में है खैर हमारे नूर भाई परसों बोले उन्होंने क्या है उनके साथ में रहती है तो बोल उन्होंने बोले अब जब उनके जवाब देने वास्ते में तुम्हारे हाथ से नहीं हो रहा दो फिर मुल्ला रफीक बेगन जाते बोलते फिर उसके बाद यहाँ फिर जुनेद कने आए यहाँ नहीं फूल रहा तो पता फिर जुनेद कने आए फिर जुनेद बेगन रखे फिर जुनेद भाई को एक नहीं मालूम नहीं सर दो नहीं मालूम सर लड़ाई के बात बल्ला के वजह से करती उन्होंने क्या है मालूम उनको बताओ तुम्हें एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट का तो बता रहे जुनेद भाई लड़ाई चले जितने चले एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष तो बोले जब कांग गए थे तुम्हें बोलना था फरसा मुल्ला वाले लड़े से हो तो जब उन्होंने बोले थे तो वो लीडर तो तुम्हें तो लीडर हमें नहीं करते बोल रही लो ये सो बिनु बोलने से पहले और मुल्ला रफीक भाई और जुनेद भाई सब जने जरा सोचो जरा कौन क्या बोल रहा कैसा बोल रहा सो तुम्हें भड़त ना है बुलाओ यूसुफ भाई बड़ा आदमी नवे क्या बुलाओ मैं इतने आदमी में भड़त ना देखा यूसुफ भाई सर का आदमी नहीं मैं सामने हूं सो फिर भी जरा तुम्हें बोलते रहेंगे क्या तुम्हें एक बात बोल को बात करता है बुलाओ तुम्हें बरबर आगो भाई ठहरो बात करो सपोर्ट करने वाला जान को जान लगाने वाला यूसुफ भाई कोई सी बात नहीं यूसुफ भाई को बोलने से पहले जरा सोचो जरा समझो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा मुल्ला रफीक भाई काम भी हमने को ठहरता बात करता सलाम करता मैं भी सलाम करता जुनेद भाई सलाम दुआ करता मैं बात करता वो दिल में मैल क्या भी नहीं हमारे कोसे कोसी बात में उसमें भी सबको मिला ले रहे इन्हें क्या बोल रहा है ये आदमी इन्हें बोला तो मैं चलता क्या नहीं चलता ये बोलने से पहले सोचो जरा अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो इससे पहले बोले हमारे मुल्ला रफीक भाई क्या बोले ऐसा तुमने क्या मालूम ऐसा क्या नहीं मालूम ऐसा आगो तुम्हें कर लो देख लो तुम्हें बोलते मुल्ला रफीक भाई तुम्हें कौन कौन है वैसे भी मैं मिलने वाले तेरा अजीम भाई मामू क्या चिच्चा आगो मिला मिलती मिलती क्या पूछो रेड्डी बुला रहा है ऐसा तो बोले राइट ऐसा दिन के काम में ईदगे के काम में सब में बुलाओ अजीम भाई दिन के काम में आओ यूसुफ भाई दिन के काम में आओ सलीम भाई दिन के काम में आओ सऊदी रोब भाई दिन के काम में आओ सब जने बुलाओ भाई। और एक बात बोलता हूँ मैं तुमने जब तक रही सियासत की है बात की आवाज छोड़ डालो सियासत अभी देखो ये वैसा रहता चले जाता फिर टीडीपी आता सब यहाँ आते फिर ये चले जाता फिर वैसा रहता फिर यहाँ आते ये कितने दिन तक लगा ये फिर ऐसा एक बात बता दो मैं मीडिया के अंदर ऐसा डाल को जैसा हमारे गौस भाई जैसा जो फितने फैला ले रहे वैसा फैला ले उनको जितने मुसलमान दिलदार भाया है हमारे आधुनिक के अंदर हुशियार हो जाओ कोई भी बात डालने से पहले सोचो बोलो एक पे लड़ा लड़ी के मारा मारा के काम करो उनको लड़ा तोड़ी के काम करो उनको सोचो समझो सब भी बोलो क्या दिमाग से करना करो फिर भी इससे पहले हुए सो हादसे में बल्ला के बात बल्ला के काम हमें बोले नहीं कहीं को जान दे भाई बुलाया एक बार गौस भाई को क्या मिलेगी क्या खाई थी कि क्या नहीं की गहू पूरा बोल रहा बदला मोरी क्या रहे हमें भी आए उसमें हम ना को भी बोल रहे क्या भाई घोष भाई साहब था तू भी क्या आया क्या क्या लिए की तो हम ना को नहीं मालूम अल्लाह देख रहा बोले तुम्हें खुद हम ना को एक बार तो बताई थी क्या बात तो देखो दादा भाई ऐसा हमें जाको मिल को बात करो ये करी ना हमें ले को ये करें तुम्हारे वीडियो
तुम्हारे कोई वीडियो में आते नहीं डालते नहीं हो तो ये बात नहीं हुई है। अरे मुझे बुला रही, मैं जाता जाओ सबके, हमें बुला रही जाती जाओ, हमना क्या करना है। अरे वीडियो डालने मैं बुलाया तुम्हें, इतनी जगह बुलाया माया, मेरा वीडियो डालने नहीं आया तुम्हें, बिठा को 3 घंटे अंदर का तुम्हें हाथों हाथों दो फोन आने उठाए मेरे, तुम्हें ऐसा करोगे तुम्हें फितने जो चक्कर फिरा रही है ये चक्कर फिरान होगा तुम्हें। और तुम्हें क्या भी है, जितने भी हमारे आधुनिक मुसलमान दिलदार भाया बहना जो भी है, हुशियार हो जाओ, जो भी इन्हों बोलेंगे धन बोल के डाल के फितने में जानो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ फिर दूसरी बात क्या है बोले तो गौस भाई, खतीज साहब के बारे में कितने बार क्या क्या नहीं बोले तुम्हें, और दिल्ली वाले साहब के बारे में बोले, हमें क्या सोचे, चल भाई बंदा सही रास्ते को चल रहा। एमएलए साहब के बारे में बोले, बेइज्जती करे, सब कुछ करे तुम्हें, एमएलए की बेइज्जती, सबकी बेइज्जती करे, आज तुम लोग वो रस्ते अच्छे दिख रही है, हमें एक बंदा अच्छे रस्ते को जा रहा समझे, हमें अच्छे रस्ते पर है और हक पो है, और मुसलमान को पूरा असल क्या है कि गुमराह करके छोड़ी तुम्हें, समझ के बाहर हो गया रोज भाई। अस्सलाम वालेकुम। फिर दूसरी बात क्या है बोले तो गौस भाई, खतीज साहब के बारे में कितने बार क्या क्या नहीं बोले तुम्हें, और दिल्ली वाले साहब के बारे में बोले, हमें क्या सोचे, चल भाई बंदा सही रास्ते को चल रहा। एमएलए साहब के बारे में बोले, बेइज्जती करे, सब कुछ करे तुम्हें, एमएलए की बेइज्जती, सबकी बेइज्जती करे, आज तुम लोग वो रास्ते अच्छे दिख रही है, हमें एक बंदा अच्छे रास्ते को जा रहा समझे, हमें अच्छे रास्ते पर है और हक पो है, और मुसलमान को पूरा असल क्या है कि गुमराह करके छोड़ी तुम्हें, समझ के बाहर हो गया रोज भाई। अस्सलाम वालेकुम। और एमएलए साहब राजीनामा करना, एमएलए साहब राजीनामा करना बोल के कम से कम एक 50-100 टाइम बोले तुम्हें, एमएलए साहब को राजीनामा करके छोड़ो हो गया क्या भी नहीं ऐसा वैसा बोल गया, आज कल को तुम ना वो एमएलए साहब अच्छे दिख रहे, एमएलए साहब सभी तुम ना को अच्छे है क्या, आज बहुत अच्छे है ना। और दूसरी बात बोलते देखो रोज भाई, ये वीडियो के बाद अगर भी हमें चाहे कि ना कितने वीडियो डाल दू मालूम, पीछे पीछे देखो अब मैं डालता हूँ वीडियो सब में, अब मैं यहाँ से चालू करता हूँ वीडियो, तुम्हें देखो तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम।